सो हेलो एवरीवन। सो ये हमारा वीडियो लेक्चर है जो मोमेंट बैलेंस मेथड का एक, इसमें हम एग्जांपल लेंगे कंपाउंड पेंडुलम का और उसको सॉल्व करेंगे और फाइंड उसके लिए कैसे हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं वो देखेंगे यूजिंग द मोमेंट बैलेंस मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, से ये हमारा जो है आप इसमें एनिमेशन में देख सकते हैं कंपाउंड पेंडुलम है। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या है कि कंपाउंड पेंडुलम है क्या और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पेंडुलम सिस्टम। तो उसके लिए अगर मैं इसको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, तो अगर हम सिंपल सा पेंडुलम अगर रिमेम्बर करें कि वो एक्चुअली अगर उसको हम मॉडल करते तो कैसा होता था कि एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग होता था, उसमें से मास कनेक्टेड होता था और एक स्ट्रिंग की जो मास होती थी वो हम इग्नोर कर देते थे और सिर्फ इसकी स्टिफनेस के वैल्यू को अकाउंट करते थे और यहाँ एज्यूम करते थे कि इस बॉल का मास एम है जो कि इससे अटैच्ड है। तो अगर कोई दूसरा सिस्टम है जिसमें कि जो आपका मास है वो कंटिन्यूअसली अलोंग द लेंथ इस डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, तो उस टाइप ऑफ पेंडुलम सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। तो अगर हम इमेज में देखें तो जैसे इस एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड पेंडुलम का, तो इसमें अगर अलॉन्ग द लेंथ हम देखें तो अलॉन्ग द लेंथ जो है वो आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो मास है वो चेंज कर रहा है, मतलब जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो पॉइंट है, ये ब्लू पॉइंट, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किस पॉइंट के अबाउट पिवट है, इस पॉइंट के अबाउट, तो इसको ओ बोल देते हैं। और इसका जो लेंथ होगा वो अगर हम एज्यूम कर लें तो लेंथ इसका जो है वो एल है और इस पॉइंट ओ से लेके आपका जो ये डिस्टेंस है जिस पे सी जी आपका लोकेटेड है उसको आर बोलते हैं। और अगर हम इसको आप इस पे फोर्स बैलेंस लगाएं तो क्योंकि इसका एक मास है और ये इसका सी जी है तो यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी एम जी एक्ट कर रहा होगा, तो इसका फोर्स बैलेंस करते हैं तो इस डायरेक्शन में कुछ इसका फोर्स आएगा एफ एक्स बोल देते हैं इसको, ये आपका एफ वाई है और ये आपका पॉइंट ओ है। नाउ जो मास है वो किस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से अगर हमने इसको इसको डिस्प्लेस किया है तो ये कुछ एक थीटा होगा जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसलिए थीटा यहाँ ब्रैकेट में हम टी लिख लेते हैं। तो अब ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में वो कौन सा कंपोनेंट देगा आपका, एम जी कॉस थीटा इंटू टी, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टी। नाउ यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हम मोमेंट बैलेंस करते हैं तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट बैलेंस करेंगे, तो अगर हमने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मोशन दिया है तो क्या होगा, इसका इनर्शिया इसको रेसिस्ट करने का ट्राई करेगा किस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम रिमेम्बर करें कि लास्ट जो वीडियो था मोमेंट बैलेंस में उसमें जो हमने सर्कल बनाया था उसमें हमने एक एम टी अगर इस डायरेक्शन में लगाया था तो इस डायरेक्शन में क्या आया था हमारा, जे थीटा डबल डॉट टी। तो अब इसके लिए अगर हम इस मोमेंट बैलेंस को लिखें तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जे जो कि क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके लिए, वो जो भी आपका कंपोनेंट है उसका, तो इस केस में आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिकल शेप का है तो उसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं जे थीटा डबल डॉट टी। और अगर वो जो फोर्स था, अगर हम एक सिंपल सा ये डायरेक्शन ले ले तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में था आपका, इस डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर था, एम जी साइन थीटा के, और कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड था पॉइंट ओ से, आर डिस्टेंस से। अब ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका किस डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर हम एक किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो जो मोमेंट था अपने इसको परटर्ब किया था वो इस डायरेक्शन में था जिसके कारण जे थीटा डबल डॉट आपका इस डायरेक्शन में आया था, और ये फोर्स भी आपका हमने एज्यूम किया है कि जो आपका क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जे थीटा डबल डॉट प्लस ये फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो उसका भी हम लिख लेंगे एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपका मोमेंट बैलेंस से जो गवर्निंग इक्वेशन आएगा वो आएगा, ये भी सेकेंड ऑर्डर आपका ओडी है। नाउ यहाँ पे अभी अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि कंपाउंड पेंडुलम है तो क्या हम कंपाउंड पेंडुलम को एक नॉर्मल पेंडुलम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसके थ्रू हम उसको कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ पर्क्यूशन। तो
तो सेंटर ऑफ परक्यूशन क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल पेंडुलम ले ले, कंपाउंड पेंडुलम, तो कंपाउंड पेंडुलम की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अगर एक सिंपल सा पेंडुलम ले ले विथ अ लेंथ इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ परक्यूशन का डिस्टेंस किसी पिवट पॉइंट से। तो अगर इसका जो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ले लें, तो इन दोनों का कंपाउंड पेंडुलम और एक सिंपल पेंडुलम, इन दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो उसके लिए अगर हम इसी सिस्टम पे अगर उसको फाइंड करने का ट्राई करें, तो जैसे ये पॉइंट आपका था क्या ओ, और एज्यूम करते हैं कि ये कुछ डिस्टेंस पे L1 डिस्टेंस पे आपका ये लोकेटेड है, सेंटर ऑफ परक्यूशन पॉइंट। नाउ यहाँ पे ये G है आपका, जो कि आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। नाउ इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करें, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा वो, क्योंकि आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्निंग इक्वेशन लिख लेते हैं, जे थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो फॉर स्मॉलर थीटा क्या होता है आपका, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, जे थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर थीटा इक्वल टू जीरो। नाउ नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक चीज हम अगर क्विकली देखना चाहते हैं, तो जो स्टिफनेस टर्म होता है उसको डायरेक्टली हम इनर्शियल टर्म का जो कंपोनेंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपका ट्रांसलेशनल पार्ट है तो के बाई एम बन जाता है, इस केस में आपका के बाई जे बन जाएगा। तो अगर हम इसके लिए ये देखें, तो ओमेगा एन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, एम जी आर डिवाइडेड बाई जे। अगर आपको याद होगा कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हम डिराइव करें सेम चीज एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए क्या होती थी, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाई एल। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो जो एल अब हमें चाहिए होगा इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल पेंडुलम से, वो आपका क्या हो जाएगा, जे डिवाइडेड बाई एम आर। तो उससे के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इस सिस्टम को एक दूसरे पेंडुलम सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ मास, जो इस पूरे बॉडी का मास है, और ये जो लेंथ जो होगा उसका, वो लेंथ क्या हो जाएगा एल वन, वो आपका हो जाएगा जे डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। तो जो सेंटर ऑफ परक्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इस वीडियो में तो मैं इसके बारे में नहीं ज्यादा डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो मैं स्पेसिफिकली उसी के ऊपर बनाऊंगा, सेंटर ऑफ परक्यूशन के ऊपर, और उसमें मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वो होता क्या है और उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यूजुअली हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में हमेशा आप सर्च कर सकते हैं एक स्वीट स्पॉट होता है, उस स्वीट स्पॉट पे अगर बॉल स्ट्राइक करती है तो कोई भी फोर्स और या मोशन जो होता है वो हमारे हैंडल में ट्रांसफर नहीं होता, जहां हम होल्ड करके रखते हैं। तो इवन दो कुछ में हमें फील भी नहीं होता है कि बॉल स्ट्राइक की या नहीं की, तो उस स्वीट स्पॉट को के लोकेशन को ही मेनली सेंट्रल ऑफ परक्यूशन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड यू कैन ऑलवेज शेयर इट विथ योर फ्रेंड बिकॉज इट्स फ्री। थैंक यू।